मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं नूर जहां एकेडमी की तरफ से आज मैं भारत में विदेशी गायों की नस्लों के बारे में बताने चल रहा हूं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है भारत की देसी गायों की नस्लों के बारे में। विदेशी गायें जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन महाद्वीप की गायें हमारे देश की गायों से अलग होती है। इन गायों में, हमारे गायों में हम्प होता है, गिल पीछे उभरा हुआ होता है कुकद, और इन गायों में नहीं होता। ये गाय सपाट, इनका पीठ बिल्कुल सपाट होता है, गर्दन से लेकर के पूरा चौड़ा कभी यहां तक होता है, और इनकी पीछे एकदम सपाट होता है, इनका पुट्ठा भी चौड़ा होता है, सपाट होता है, चौक चौड़ चपाट होने के होते के नाते इनका वो थन भी आगे पीछे बहुत दूर आगे तक लगा रहता है और पीछे बड़ा दूर तक की ये लगा रहता है। इस तरह से ये गायें दूध भी ज्यादा देती हैं, और ये हमारे गायों से ज्यादा दूध देती हैं। अब चूंकि ये गाय बाहर की है, उस जलवायु में रह चुकी है, इस नस्ल की प्योर गायें हमारे हिंदुस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाती, जिनके लिए स्पेशल फार्म बनाए गए हैं, जिनके यहाँ हमें प्योर साल रखे गए हैं या गायें रखी गई हैं, जिससे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। आप उन गायों के साड़ों को हमारे गायों से मिलाया गया था, जिससे जर्सी संकर गाय पैदा होती है, इन गायों को हम लोग पालते हैं जो कि हमारे यहाँ सर्वाइव करती है। तो विदेशी गायों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जर्सी गाय। जर्सी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जर्सी द्वीप है, इंग्लैंड के पास एक द्वीप है जर्सी द्वीप, यहाँ पर एक गाय पाई जाती है। ये हल्के लाल रंग की या भूरे रंग की, भूरे लाल रंग की होती है, और एक छोटी होती है, और इनका हम्प नहीं होता है, सींग इनकी आगे निकल कर बीच में नीचे की तरफ मुड़ जाती है, और ये गायें सीधी होती है। बाहर जितनी भी गाय होती है सीधी होती है। इस प्रकार की गायें लगभग 4600 लीटर दूध एक ब्यांक में 4600 लीटर दूध 300 दिन में ये देती है। लगभग एक दिन में 20-25 लीटर तक की दूध दे सकती है, हमारे गायों से ज्यादा दूध देती है। इस प्रकार हम जर्सी गाय, ये हमारी है, इसका भी प्रचार चल रहा है। ये भी गायें हमारे उड़ीसा में प्योर फार्म बना हुआ है, जहां पर जर्सी गाय पाली गई है। इनके सार भी कई जगह रह करके इनसे हम क्रॉस करा करके इनका हम वो इनसे हम अपने गायों का सुधार कर रहे हैं। दूसरी है होलस्टीन फ्रिजियन। होलस्टीन फ्रिजियन ये गाय भी बड़ी होती हैं, जर्सी से बड़ी होती है। ये यूरोप के नीदरलैंड के फ्रीज क्षेत्र और हॉलैंड यहां पाई जाती हैं। ये गाय भी, इनमें भी हम्प नहीं होता, इसका भी मुंह चौड़ा होता है, मोटा होता है, गलकंबल नहीं होता है, कान बड़े होते हैं, सींग इनमें हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, सींग छोटी होती है, मोटी होती है, और ये गायें भी दूध बहुत ज्यादा देती हैं। हॉलैंड की एक गाय कनाडा में 105 लीटर तक की दूध दिया है एक दिन में। इस प्रकार की गायें ये करीब 65 लीटर तक की दूध दे सकती हैं, 6500 लीटर एक दिन में, 30-32 लीटर तक की दूध दे सकती हैं ये गायें। और ये गाय बड़ी होती हैं, इनके शरीर पर सफेद, काला, भूरा धब्बा होता है, कोई कोई गाय काली ही होती है। एक गाय इसके पैर मजबूत होते हैं, पूंछ इसकी लंबी होती है, और ये बड़ी ही सीधी गाय होती है। इनको हम पाल करके भी इससे भी हम
इससे भी हम इसका अपना पाल करते हैं। इसका आयस आयत, तीसरा है आयस आयत, अभी दोबारा आया, तीसरा है आयस आयत। आयस आयत ये बहुत ही सीधी गाय और हर मौसम में, विपरीत मौसम में भी ये अपना सरवाइव कर जाती हैं। हमारे देश में बहुत से फार्म इसके बनाए गए हैं। ये गायें आसानी से 30-32 लीटर दूध प्रतिदिन ये दे सकती हैं। औसत दर्जे की गाय होती है और एक ब्याज में ये 50,000 लीटर दूध तक की दूध दे सकती है। इसको कई फार्मों पर रखा गया है और यहाँ आपको पंजाब से कई प्राइवेट फार्म हैं या मंडियों से, रोहतक मंडी या जहाजगढ़ मंडी या और मंडियां लगती हैं जहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आयस आयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हम विदेशी गायों में सबसे आसानी से पलने वाली गाय आयस आयर है। इसमें बताते हैं थनैला रोग देखा गया है कि इसमें थनैला रोग भी नहीं लगता है और बीमारियां भी बहुत कम ही लगती हैं। तो इस तरह से सरवाइव कर जाती हैं हर मौसम में, ये गाय सरवाइव कर जाती हैं। तो इस तरह से हम आयस आयर का भी हम पाल करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथे किस्म की गाय है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ये गाय यूरोप के स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। इसका मूल स्थान यूरोप के स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड इसके अलावा स्विट्जरलैंड के अलावा और देशों में इटली, फ्रांस और जर्मनी में भी इस प्रकार की गाय पाली जाती हैं। इनका रंग ब्राउन होता है या लाल होता है या इस पर भी धब्बे पाए जा सकते हैं। ब्राउन स्विस जैसा कि हम लोगों ने जाना स्विट्जरलैंड और इटली, फ्रांस से मिल सकती है। ये डुअल पर्पज के लिए भी काम देती है। ये दूध के लिए भी इसका उत्पादन होता है, मांस के लिए भी ये बड़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें मांस का भी उत्पादन अधिक होता है। डुअल पर्पज के लिए ब्राउन स्विस मानी जाती है। इसका रंग भूरा या हल्का लाल या धब्बे भी पाए जा सकते हैं और इसकी सींग ज्यादा मोटी न होकर के ऊपर से निकल करके आगे की तरफ मुड़ी होती है। इसकी सींग आगे की तरफ मुड़ी होती है। ये भी विदेशी गाय में, इनका भी दूध करीब 5500 लीटर एक ब्याह में, माने कि 300 दिन में एक ब्याह में पाया जाता है और निकाला गया है। ये भी बड़ी चीज मानी जाती है, फार्मों पर रखी गई है। इनके अलावा जर्सी, होलस्टीन, फ्रिजियन, आयस आयर, ब्राउन स्विस के अलावा गरंसी स्कॉटलैंड के वो गरंसी द्वीप के पास पाई जाती है और रेड डैन इंग्लैंड में पाई जाती है। डेनमार्क और ये डेनमार्क जगह है वहां की गाय मानी जाती है। और ये एयरफोर्स ये भी इंग्लैंड की गाय मानी जाती है। इस तरह से 7-8 गाय, इसके अलावा भी और भी गाय हैं जो कि हमारे देश में पाई जाती हैं और जो हमारे देश में लाकर रखी गई है। विदेश की गायें भारी होती हैं और ज्यादा खाती हैं और इनका उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। हमारे गायों से हमारी गायें औसतन उत्पादन 15-16 लीटर देती हैं, लेकिन ये विदेशी गायें औसतन उत्पादन इनका 30-32 लीटर एक दिन का होता है। तो ये गाय भारी होने की वजह से, ये हमारे और उस जलवायु में रहने की वजह से हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान के जलवायु में रह नहीं पाती। तो इसलिए इन गायों के सारों को हमारे गायों से मिला करके एक नई नस्ल पैदा की गई है जिसको हम लोग कहते हैं कि संकर गाय, क्रॉस ब्रेड कहते हैं। ये कार्य सतना में चल रहा है और हमारे करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में चल रहा है, हिसार में।
जिसपे कि बहुत सी गायों को यहाँ देसी गायों को विदेशी गायों से मिला करके नई नस्ल की गाय पैदा की जाती है। लखनऊ में भी साहिवाल के साथ इसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट को मिला करके तैयार की गई नई नस्ल। और यहाँ तमाम फार्मों पर रखा गया, बाराबंकी नेबलेट फार्म पर भी कई साल रखे गए हैं जिनसे कि हम अपने गायों का सुधार करा रहे हैं। और सतना में भी गायों का कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह से पूरे देश में ये चल रहा है। करनाल में 3 किस्म की गाय पैदा की गई है, एक तो है कर्ण स्विस, एक है करण फ्राइज, करण फ्रिज भी कहते हैं इसको, और तीसरा है जर्सी। करण स्विस को साहिवाल और ब्राउन स्विस से मिलाया गया है, ब्राउन स्विस का साथ साहिवाल, और ये मिला करके जो पैदा जो बच्चिया पैदा हुई उसको उसका नाम रखा उन्होंने करण स्विस। करण स्विस का उत्पादन ये इसका रंग साहिवाल भी मिल सकता है, लाल भी हो सकता है, जो भी जैसा हो, ये इस तरह से इसका कई रंग होता है, सीम भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। ये करीब 36 लीटर प्रति व्यात में इनका औसत उत्पादन है, 3600 लीटर प्रति व्यात में है, ये भी करीब 25-30 लीटर एक दिन में दूध दे सकती है। और ये करण फ्रिज ये इसको थरपाकर गाय से मिला करके और हॉलस्टीन फ्रिजियन के साथ से मिला करके थरपाकर नस्ल की गाय निकाली, करण फ्रिज निकाली गई है, जो कि ये गाय हमारी देसी गाय से ज्यादा दूध देती है और विदेशी गाय से कम दूध देती है, जो कि 3200 लीटर एक ब्याक में इसका रिकॉर्ड किया गया है। तीसरा है जर्सिंद, जर्सिंद की गाय ये रेड सिंधी और जर्सी गाय से मिला करके इसको इसकी नई नस्ल निकाली गई है संकर गाय, जिसको कि ये इसका उत्पादन 3500 से 4500 लीटर होता है। इसके अलावा तमाम रिसर्च चले रहे हैं जिसमें कि हमें फॉरेन की गायों साड़ों को यहाँ की गायों से मिला करके और ये नई नई किस्म की चल रहा है और आर्टिफिशियल चल रहा है और तमाम सरकार की स्कीम है कि नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी गायों में दूध उत्पादन बढ़े। इस तरह से हमारे देश का दूध उत्पादन बढ़ करके 121.97 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन करके हम पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आ गए हैं। किस तरह से हमारा दूध उत्पादन कार्यक्रम चला है, किस तरह से हम लोगों ने अब तक वीडियो में जो पढ़ा है गायों के देसी नस्ल के बारे में और विदेशी नस्ल के बारे में पढ़ा गया है। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे भैंसों की नस्ल के बारे में कि भैंसें कौन कौन सी भैंसें हमारे देश में पाई जाती हैं जिनसे कि हम दूध उत्पादन कर सकते हैं। तो बने रहें अगले वीडियो तक, जिनको भैंस के बारे में जानना हो तो अगले वीडियो का हमारे देखें। और अगर ये वीडियो आप लोग हमसे गुजारिश है कि इसमें जो भी आपके समझ में ना आया हो इसके लिए आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसके लिए अपना लाल बटन दबा दें जिससे कि और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में और अपने और किसान भाइयों में इसको शेयर करें जिससे कि इनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद।